हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। छोटे बच्चे जब बोलने लगते हैं, कई बार तो बहुत बहुत साफ बोलते हैं, कई बार उनका जो तुतलाना है वो बंद नहीं होता। पहले तो हम बच्चों को ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, क्योंकि वो तोतला बोलता है। लेकिन अगर हम बच्चों का ध्यान ना रखें, हम उनकी क्यूटनेस समझकर उन्हें इग्नोर करते रहें, तो ये तुतलानापन उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। तो हमें बच्चों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के तुतलाने बहकलाने का घरेलू उपचार, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं बच्चों के तुतलाने बहकलाने का उपचार घर पर हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला जो होता है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को यदि एक ताज़ा हरा आंवला कुछ दिनों तक खिलाते रहें और उसका तुतलाना बहकलाना बंद हो जाता है, बच्चों की जीभ पतली हो जाती है और आवाज़ स्पष्ट आने लगती है। इसके अलावा बादाम की 7 गिरी व 7 काली मिर्च मिलाकर पत्थर पर अच्छी तरह से इसे पीस लें। इसे एक चटनी के भांति बना लें और इसमें ज़रा सी मिश्री उसको पीस लें और इसके साथ उसको मिला लें। मिलाने के बाद बच्चे को सुबह सुबह उसे चटाएं, तुतलाना बंद हो जाएगा। 12 बादाम भिगोकर छीलकर पीसकर उसमें आधा चम्मच मक्खन मिलाकर कुछ महीनों तक नित्य बच्चे को खिलाएं, इससे भी उसको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा छुहारे की बात करते हैं। सोते समय एक छुहारा दूध में उबालकर बच्चे को दें, इस उपचार से भी उसको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बट ये ध्यान रहे कि ये देने के बाद आप 2 घंटे तक बच्चे को पानी ना पिलाएं। इसके अलावा अदरक का रस शहद में मिलाकर बच्चे को चटाने से तुतलाना काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे तोतलापन का इलाज जो हम घर पे कर सकते हैं। इससे हकलाना और तोतलापन दोनों ख़त्म हो जाएंगे, आपका बच्चा बिल्कुल स्पष्ट बोलने लगेगा। और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।